हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी माला बनाना सिखाने वाला हूँ जिसे बस एक बार बना ले, शत प्रतिशत वशीकरण, नौकरी, व्यापार, मतलब आप जो चाहेंगे वो होगा। इसे विजय माला कहा जाता है। विजय माला को धारण करने वाला इंद्र के समान सारे वस्त्रों को जीतने वाला बन जाता है और भगवान श्री कृष्ण के समान सभी को मोहित करने वाला बन जाता है और महर्षि नारद के समान विद्वान बन जाता है। इस सिद्ध माला को धारण करने वाला हर जगह विजय प्राप्त करता है, उसके सभी कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। यदि किसी काम में लंबे समय से बाधा आ रही है तो वो काम आसानी से बन जाता है। यह माला शत्रुओं का नाश भी करती है। पूरा फल पाने के लिए जरूरी है कि माला सही विधि विधान से और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही धारण की गई हो। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, धर्म में सफल होने के लिए पूजा पाठ और हवन के साथ ही कई अन्य उपाय भी किए जाते हैं। विजय माला एक ऐसी माला है जो आपको सभी कार्यों में विजय दिला सकती है। इस माला का प्रयोग आज के कई सिद्ध पुरुषों के साथ ही देवता भी करते हैं। जो भी इसके जानकार है वो मानते हैं कि अगर इस माला को सही विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठित करके धारण किया जाए तो इसके परिणाम आपको तत्काल मिल जाते हैं। इसे धारण करने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें रुकावट आ जाए। देखो, किसी भी तरह के आकर्षण या वशीकरण के लिए आप इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण को मोहन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे जहां जाते थे सभी को मोह लेते थे। इसको धारण करने से शत्रु मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। विजय माला को धारण करने से सम्मान में वृद्धि होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस माला को धारण करने से अपने आप धन के मार्ग खुलने लग जाते हैं, मतलब आपको एकदम से कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता ही होता है। इसके साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चों को परीक्षा से पहले भय लगता है तो बच्चों को एक विजय माला पहनाने से आत्मविश्वास में वृद्धि का बड़ा लाभ मिलता है और उनका आने वाले बुरे सपनों से पीछा छूट जाता है और निश्चित ही परीक्षा में सफलता मिलती है। जिन व्यक्तियों का मन लगातार परेशान रहता है या किसी कार्य में मन नहीं लगता है तो ऐसे व्यक्तियों का विजय माला पहनने से मन शांत रहता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। सभी प्रकार की ग्रह शांति और महादशा के अशुभ प्रभाव के निराकरण के लिए माला धारण करें। विजय माला को धारण करने के बाद सभी प्रकार के ग्रह दोष और महादशा के अशुभ प्रभाव खत्म होने लग जाते हैं। एक बार विजय माला बन जाए तब गुरु मंत्र का जप इस माला पर बड़ा उत्तम फल देता है। जिन भक्तों के पास गुरु मंत्र है उन सभी को गुरु मंत्रों की शक्ति प्राप्त होती है और अगर वे विजय माला से अपने गुरु मंत्र का दैनिक जप करके अपने गले में पहने तो सभी प्रकार के जन्म कुंडली में आने वाले दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, ग्रहण दोष, ऋण दोष और सबसे बड़ा गृहस्थ सुख भंग दोष और लड़का लड़की के विवाह में जितनी भी देरी की बाधाएं आ रही है वे जल्दी से दूर होकर शुभ विवाह की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी दोषों में शांति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो विजय माला को धारण कर ले। ऐसे करने से आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बस आपको इस माला को सही विधि के साथ धारण करना होगा। अब बात करते हैं कि इस माला को कैसे बनाया जाता है। ये माला पहनते ही खुल जाती है किस्मत, बरसने लगता है पैसा। सबसे पहले मैं आपको इसमें लगने वाली सामग्री बता देता हूँ। आपको 108 मंकों की स्फटिक मणिमाला, दिन का कोई भी समय, सफेद आसन, पूर्व दिशा, जप संख्या 21 बार प्रतिदिन होगी और अवधि 11 दिन की होगी। देखो, ये प्रयोग स्फटिक मणिमाला पर किया जाता है। आपको सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर 108 मंकों की मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त स्फटिक मणिमाला रख देनी है और केसर से उसका पूजन करना है। फिर सामने अगरबत्ती और दीपक लगा ले। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए।
फिर मंत्र का 21 माला जाप करना है। इस प्रकार से 11 दिन तक करने से वो माला विजयमाला में परिवर्तित हो जाएगी। जब कहीं भी जाए तो उस माला को कपड़े के शर्ट या कुर्ते के नीचे पहनकर जाए। ऐसा करने से आप जहां भी जाएंगे आपको सफलता ही प्राप्त होगी और आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी। विजय माला मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि करी करी फट स्वाहा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।